हेलो सो गाइस, आप लोगों का हमारे आज की वीडियो में स्वागत है। तो अभी के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यही प्लास्टर के बारे में, आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो और आपको फंठी कैसे मारना है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो हमारा आज के टॉपिक इसी पे रहेगा। तो और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दीवार अच्छे से तराई कर लेना है, यानी कि गीला कर लेना है। दीवार गीला करने के बाद आप अच्छे से नीरू मार लीजिएगा घोल। तो आप देख सकते हैं वीडियो में, और देखिए आपको इस वीडियो में अच्छे से फंठी मारने के लिए मैं आपको अच्छे से जानकारी बस इसमें बताऊंगा, जो कि आप अच्छे से फंठी मार पाएंगे। तो देख लीजिए, अभी हम नीरू मार रहे हैं, घोला लगा देते हैं अच्छे से। घोल लगने के बाद आप अच्छे से पहले मसाला छाप लीजिए दीवार में। तो चलिए आगे देखते रहिए वीडियो को। तो आपको अच्छे से छाप लगा लेना है। छाप लगा लेने के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से छपाई कर लेना है। छपाई करने के बाद आप देख सकते हैं आपको उल्टा कांडी मार लेना है। तो पुट्ठा कांडी मार लेना है अच्छे से, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको बराबर करके मार लेना है। तो बराबर मारने के बाद आपको दिखाते हैं फंठी अब लगाना है, तो इसमें आप अच्छे से चपटी मार पाएंगे। तो अब आपको यहीं पे ध्यान देना है, आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो मैं आपको फंठी के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं पहले आपको मिला लेना है फंठी को, पहले बराबर आपको मिला लेना है। तो देख सकते हैं बराबर मिला लेंगे, और मिलाने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना है नीचे का। आप ऊपर थोड़ा हल्का कम ही मसाला काटिए और नीचे ध्यान दीजिए। नीचे आप आधा इंची मसाला रखे दीवार में, आप जितना चढ़ाना चाहते हैं कि हमारे दीवार पे कितना मसाला चढ़े। तो उसके बाद आप साहुल चेक कर सकते हैं। तो साहुल इसलिए चेक करते हैं जो देखते हैं दीवार सीधा है कि नहीं, ऊपर मसाला कटेगा कि नहीं। पर नीचे आपको आधा इंची रखना है मसाला, जितना आप चाहे रख सकते हैं पतला, आधा इंची, कम से कम आधा इंची आप रख सकते हैं। और आप अच्छे से फंठी में साहुल में पहले कर लीजिए उसको, जो नीचे कितना रखना है आपको, आधा इंची रखना, तो आधा इंची ऊपर फिर आपको काट लेना है मसाला। तो उसके बाद आप साहुल लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं साहुल लगा लेना है। तो साहुल लगाने के बाद आपको फंठी से, आप देख सकते हैं आपको नीचे फंठी लगा के चेक करना है, जो नीचे दीवार सीधी जा रहा है कि नहीं, आधी इंची है कि नहीं है। कई मिस्त्री यहीं पे गलती कर देता है, वो नीचे देखता ही नहीं है, आधी इंची बस वहाँ रख देता है। बीच में अगर थोड़ा सा भी दीवार इधर उधर टेढ़ा हो तो नीचे प्लास्टर करने में दिक्कत आ जाता है, नीचे दीवार बाहर हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आप जब भी कीजिए तो आपको नीचे तक फंठी रख के चेक कर लेना है, जो नीचे तक फंठी के सहारे उसके साथ गैपिंग है कि नहीं है आधा इंची। तो उसके बाद आप दूसरा ठेहा इस तरह से लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं हम ठेहा इसीलिए लगाते हैं। अब देखिए यहाँ भी ठेहा लगाने के बाद हम साहुल करेंगे, तो साहुल से हमें पता लग जाएगा ऊपर और कटेगा कि नहीं। तो देख सकते हैं अभी हम साहुल लगाएं, तो जब हमें ऊपर काटना होगा तो काट सकते हैं, नहीं तो आप नीचे, आपको गौर करके यही बात पे आपको गौर करना है और ध्यान रखना है, जो नीचे दीवार आ रहा है कि नहीं। अगर नीचे आपका दीवार आ रहा है तो फिर आप उस पर एक निशान मार दीजिए। देख सकते हैं फंठी से हमने इस पर निशान लगा दिए, ताकि निशान रहेगा तो अगर कहीं भी फंठी से, अगर आप अभी नए हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो आपका निशान लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैं निशान लगा दिया हूँ। आप देख सकते हैं ब्रेकी में है निशान,
तो वो निशान अगर आप ऐसे लगा देते हैं तो अगर कटेगा निशान पे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमारा प्लस्तर में फंटी ज़्यादा काट दिया है। तो इस तरह से आपको मिला लेना है अच्छे से। तो अभी देख सकते हैं हम मिला रहे हैं, ऊपर भी आपको एक ठेहा मार देना है। तो आप अगर इस तरह से मारेंगे तो आपका दीवार इधर उधर नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं फर्क पड़ेगा। आप देख सकते हैं एक ऊपर लगाए एक नीचे, यानी कि आपको चारों साइड ठेहा अच्छे से लगा लेना है अगर आप नए हैं तो, अगर आप फंटी लगाने के लिए सीख रहे हैं तो। तो देखिए आप यहाँ भी हम उससे मिला देंगे, उस पर ब्रेक की लाइन में निशान लगाया हूँ मैं, तो उस निशान से अंदर नहीं जाना है। देख सकते हैं एक और निशान हम मार देंगे ताकि हमें पता रहे, अगर ये निशान कटेगा तो हमको पता लग जाएगा कि यहाँ फंटी से ज़्यादा कट गया है। तो आपको इस तरह से निशान मार लेना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको अच्छे से काट लेना है, मसाला बराबर में काटना है। आप जैसे भी काटेंगे पर यह है कि निशान आपका लगा हुआ है तो आपको ये रहेगा कि हाँ निशान से अंदर नहीं जाना है, तो आप अच्छे से मार पाएंगे फंटी। निशान अगर आप नहीं लगाते तो फिर वो पता नहीं चलता है फंटी यहाँ ज़्यादा काट दिया कि कम काट दिया पीछे। आप देख सकते हैं आप मारेंगे आगे को फंटी तो आगे ही ज़्यादातर ध्यान रखते हैं नए आदमी, उसको पीछे कट रहा है कि नहीं कट रहा है वो पता नहीं चलेगा। तो यही आपको हम आपको यही समझाना चाहते थे अच्छे से। अगर आप इस पे निशान लगा करके करेंगे चपटी में तो आपका दीवार कभी नहीं इधर उधर हो सकता, प्लस्तर में एक सूत का नहीं फर्क आएगा। तो आप देख सकते हैं निशान लगा हुआ है तो हम नीचे भी मारेंगे फंटी, देख के ऊपर नहीं भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा निशान लगाया हुआ है वो निशान नहीं कटना चाहिए। अगर जहाँ कट जाएगा तो पता लगेगा कि यहाँ प्लस्तर ज़्यादा कट गया है फंटी में। तो आप इस तरह से फंटी मारना सीख जाएंगे। तो आगे देखिए वीडियो और भी, और मुझे आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यही कहूँगा, आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हमारा चैनल का नाम है कुंदन राज मिस्त्री। तो और भी वीडियो आपको ऐसे चाहिए, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम आपको बता देंगे। और वीडियो देखिए आप आगे का, चलिए मैं आगे आपको पूरा फिनिशिंग दिखाता हूँ दीवार का। तो अच्छे से आप देख सकते हैं गुरमाली आप मार सकते हैं। तो अच्छे से गुरमाली मार लेना है। गुरमाली जब भी आप कभी मारे तो गुरमाली को घुमा के मारा करें ज़्यादातर। देख सकते हैं जैसे घुमा के मार रहे हैं तो आपको ज़्यादातर गुरमाली घुमा के ही मारना है। तो गुरमाली मारने के बाद देख सकते हैं यहाँ फिनिशिंग हो गया, ये दीवार का फिनिशिंग हो जाने के बाद आपको अच्छे से सफाई कर देना है। तो दिखाता हूँ मैं आपको फूल झाड़ू से सफाई करेंगे। तो गुरमाली कभी भी मारे तो ज़्यादातर घुमा के मारे। तो कुछ इस तरह से गुरमाली आप घुमा के मारिएगा, ज़्यादातर यही आदत अपना बना के रखिए। गुरमाली घुमा के मारने से नहीं कटता है प्लस्तर का मसाला। तो आप देख सकते हैं फूल झाड़ू मार देंगे तो जो भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर होगा तो सफाई हो जाएगा। गुरमाली चलने से थोड़ा बहुत रेत बालू बाहर आ जाता है तो वो पूरा झड़ जाएगा, सफाई हो जाएगा दीवार का, पूरा क्लियर सफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं फूल झाड़ू मारने से प्लस्तर में थोड़ा सफाई हो जाता है, लाइट भी आ जाता है थोड़ा। तो आपको इस तरह से मार देना है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा ही होगा आपके लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक का देखिए हमारा यही कोशिश रहेगा कि आप जल्द ही काम सीख जाएं।